सो हेलो सभी भाइयों को। सो पिछले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि फ्रीजा अपनी बेहोशी की हालत से उठता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो एक मंकी से 10 साल के बच्चे से हार गया, वो भी एक ही पंच के अंदर। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो कसम खा लेता है कि वो उस मंकी को और बीरस को हरा कर रहेगा। एंड इसके बाद फ्रीजा गायब हो जाता है 10 साल के लिए। एंड दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि गोकू इन 10 सालों के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है अंडर 20, बट वो डिस्ट्रॉयर की पावर को अभी भी अडेप्ट नहीं कर पाया है। वो एंजल की पावर को अच्छी तरह तो यूज कर पा रहा है, जिस कारण वीस एंड उसके फादर डायसिंकन कहते हैं कि वो इस पावर से भी डिस्ट्रॉयर बन सकता है तुम्हारे यूनिवर्स का। एंड जिसके कारण गोकू कंटिन्यू रखता है अपना पार्ट डिस्ट्रॉयर बनने के लिए। बट एक दिन अचानक से वहां पर रेडीज आ जाता है, जो कि गोकू का बड़ा भाई होता है। एंड वो उसे बोलता है कि गोकू चलो मेरे साथ चलो। गोकू ना कर देता है, जिस कारण रेडीज को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड दोनों में कहासुनी हो जाती है एंड कहासुनी रूप ले लेती है लड़ाई का। रेडीज गोकू के ऊपर अटैक करता है बट गोकू हकाई से उसे पूरी तरह से इरेज कर देता है। एंड रेडीज इरेज होते हुए बोलता है कि तुमने मेरे को तो हरा दिया, बट अभी जो आ रहे हैं वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बीरस के प्लेनेट के ऊपर नापा एंड वजीटा भी आ जाते हैं। नापा एंड वजीटा गोकू को देखते हैं एंड उससे पूछते हैं कि रेडीज कहाँ है। गोकू उसे बताता है कि मैंने रेडीज को खत्म कर दिया, जिस कारण दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड दोनों लड़ने चले जाते हैं गोकू से। एंड गोकू उन्हें फिर बहुत ही गंदी तरह मारता है एंड ये सारी चीजें देख रहा होता है वीस दूर से ही। एंड ये देख के वजीटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि एक लोअर सैयन मेरे को कैसे इतनी बुरी तरह हरा सकता है। एंड जिसके कारण वजीटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सैयन मंकी फॉर्म के अंदर एंड उसे लगता है कि वो इस पावर से गोकू को हरा देगा, बट उसे ये नहीं पता था कि गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड फिर गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन गॉड के अंदर। एंड फिर इसके बाद गोकू और भी गंदी तरह पेलता है वजीटा को एंड वो वजीटा को खत्म करने वाला ही होता है हकाई से। फिर हमें देखने को मिलता है कि इतने में वीस आ जाता है एंड गोकू का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है कि गोकू रुको, मेरे लिए इसके लिए कुछ है, ये मेरे लिए काम आएगा। एंड अब वीस का क्या प्लान है एंड क्या उसका आइडिया है वो बात करेंगे अपने इस एपिसोड के अंदर, जिसका नाम है व्हाट इफ गोकू वेंट टू द वर्ल्ड एपिसोड 3। गोकू वीस से पूछता है कि वीस क्या आइडिया है तुम्हारा, क्या करना चाहते हो तुम। फिर वीस बोलता है कि गोकू तुम मेरी बात सुनो, तुम डिस्ट्रॉयर की को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी नहीं है। एंड दूसरी तरफ ये जो वजीटा है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है एंड ये डिस्ट्रॉयर की पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर गोकू बोलता है कि क्या कहने का मतलब है वीस तुम्हारा। फिर वीस बताता है कि अगर ये तुम्हारा साइड किक बन जाए एंड तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसानी होगी बीरस से लड़ाई करते समय। फिर गोकू बोलता है कि वीस तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये भी डिस्ट्रॉयर की पावर सीखेगा मेरे साथ। फिर वीस कहता है कि हाँ तुम ये कह सकते हो, ये डिस्ट्रॉयर की पावर सीखेगा एंड ये तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट भी होगा एंड साथ ही साथ तुम्हारा साइड किक भी बन जाएगा। फिर गोकू कहता है कि ये तो इसी से पूछना होगा कि ये मेरा साइड किक मनेगा कि नहीं। फिर वीस कहता है कि हाँ वो तो है। फिर गोकू बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है वीस। फिर वीस बोलता है कि क्या आइडिया है गोकू तुम्हारे पास। फिर गोकू बोलता है कि वीस अपने ये भी तो कर सकते हैं कि इसे नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बना दें एंड मैं बन जाऊँ इसका एंजल। फिर वीस कहता है कि गोकू तुम मेरी भी जॉब हड़पना चाहते हो क्या। फिर गोकू कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, तुम खुद भी सोचो कि मैं डिस्ट्रॉयर की पावर को अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ बट मैं एंजल की पावर को अच्छी तरह कंट्रोल कर पा रहा हूँ, जिस कारण मैंने ये सोचा कि जो डिस्ट्रॉयर की पावर को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकता है क्यों ना उसे ही नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बनाया जाए, जैसे कि ये वजीटा। फिर वीस कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है गोकू, बट तुम्हें पसंद हो या ना हो तुम ही नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बनोगे इस यूनिवर्स के, क्योंकि जिस तरह की नेगेटिविटी इस वजीटा के अंदर है ये तो सारे ही यूनिवर्स को खत्म कर देगा अपने। फिर गोकू कहता है ये भी बात तुम्हारी सही है वीस। एंड हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि गोकू भाई ने वजीटा भाई को इतना गंदा पीला कि वजीटा भाई बेहोश हुए पड़े हैं। एंड वजीटा अपनी बेहोशी की हालत से होश में आ रहा है एंड वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने खड़े होते हैं गोकू एंड वीस। एंड वजीटा गोकू को देखकर बोलता है कि कैकरोट तुमने कौन सी पावर का यूज करा, ये कैसी पावर थी। फिर वीस बोलता है कि क्या तुम भी ये पावर सीखना चाहते हो वजीटा। फिर वजीटा कहता है कि क्या ये मैं पावर सही में सीख सकता हूँ। फिर वीस कहता है कि हाँ तुम ये पावर सही में सीख सकते हो वजीटा, इससे भी ज्यादा अच्छी तरह तुम ये पावर को सीख सकते हो, बट इसमें एक कंडीशन होगी। फिर वजीटा बोलता है कि क्या कंडीशन है वो। फिर वीस उसे बताता है कि तुम्हें गोकू का साइड किक बनना होगा, यानी कि उसका राइट हैंड मैन। फिर वजीटा कहता है कि क्या मुझे राइट हैंड मैन बनना पड़ेगा इस छोटे लोअर क्लास सैयन का। फिर वीस कहता है कि
हाँ, इसी छोटे लोअर क्लास हेयन ने तुम्हें एक ही मुक्के के अंदर हरा दिया। अगर मैं ना होता तो ये तुम यहाँ पर अभी जिंदा भी नहीं होते वर्जिता। एंड अगर तुम्हें ये कंडीशन मंजूर है तब तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, वरना नहीं, क्योंकि गोकू यहाँ पर बनने आया है डिस्ट्रॉयर इस यूनिवर्स का, जिस कारण तुम्हें उसका साइड किक बनना होगा। एंड अगर तुम्हें ये कंडीशन मंजूर नहीं है तो चलो मैं तुम्हें गोकू के हाथ से अभी ही खत्म कर देता हूँ। गोकू जाओ एंड करो अपना काम पूरा। फिर वेजिटा थोड़ा सोचता है एंड फिर कहता है व्हिस को कि चलो मैं ये तुम्हारी कंडीशन मानने को तैयार हूँ। ओके, मैं गोकू का राइट हैंड बनने के लिए भी तैयार हूँ एंड उसका साइड किक भी। फिर व्हिस कहता है कि वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो गई। एंड अब से जो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, अगर तुमने उसे अच्छी तरह सीख लिया तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगे एंड तुम इस यूनिवर्स को रूल करोगे। फिर वेजिटा बोलता है कि मे बी हम रूल ना कर पाए व्हिस। फिर व्हिस बोलता है कि ऐसा क्यों वेजिटा। फिर वेजिटा बोलता है फ्रीजा के कारण। फिर गोकू बोलता है कि उसकी तो तुम टेंशन मत करो, मैंने तो उसे हरा दिया था जिस कारण वो अपने रास्ते में नहीं आएगा। फिर वेजिटा बोलता है कि हाँ, मुझे लगा तुमने ही उसे हराया होगा अब मैंने जब तुमसे फाइट करी है। एंड मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि वो 9 साल से अपने प्लेनेट से गायब है एंड किसी और प्लेनेट पे जा रखा है एंड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है एंड वो तुमसे बदला भी लेना चाहता है कैकरोट। एंड तुम उसे कम समझने की भी कोशिश मत करना कैकरोट, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड वो अब इन सालों में कितना ज़्यादा और पावरफुल हो गया होगा मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तो हमें और ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा जिस कारण हम फ्रीजा को हरा पाएं एंड इस यूनिवर्स के अंदर रूल कर पाएं। फिर व्हिस कहता है कि ओ माय, तो यानी फ्रीजा किसी और प्लेनेट पे गया हुआ है इंटेंस ट्रेनिंग के लिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी सफल हुई तो मे बी गोकू अपनी पावर लेवल्स को और ज़्यादा पुश कर पाएगा एंड अच्छी तरह यूज़ कर पाएगा। व्हिस ये बातें बोलता ही है, फिर अचानक से उसे कुछ सेंस होता है एंड वो फिर गोकू को बोलता है कि गोकू बी रेडी। फिर गोकू उसे पूछता है कि क्या हो गया व्हिस। फिर व्हिस उसे बोलता है कि क्या तुम सेंस नहीं कर सकते। फिर गोकू भी जब सेंस करता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक पे चला जाता है एंड बोलता है कि लॉर्ड बीरस उठ गए इतनी जल्दी, अभी तो 40 साल भी नहीं हुए हैं, वो इतनी जल्दी कैसे उठ गए व्हिस। फिर व्हिस बोलता है कि मे बी तुम्हारे सुपर सैयन गॉड के कारण उन्होंने भी सेंस करा होगा एंड जिस कारण उनकी नींद जल्दी खुल गई, मगर तुम तैयार रहो, मे बी तुम्हें अब फाइट करनी पड़ सकती है बीरस से। एंड गोकू बोलता है कि ओके व्हिस, आई ट्राई माई बेस्ट। एंड इसी के बीच वहां पर पहुंच जाते हैं लॉर्ड बीरस एंड कहते हैं कि व्हिस, मुझे अपने प्लेनेट के ऊपर गॉड की क्यों महसूस हो रही है एंड साथ ही साथ इतने ज्यादा इमोर्टल मेरे प्लेनेट के ऊपर क्या कर रहे हैं। फिर व्हिस उसे बोलता है कि माय लॉर्ड, पहले आप इससे मिलिए, इसका नाम है गोकू। एंड बीरस गोकू की तरफ देखता है एंड बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास गॉड की कैसे है एंड तुम मेरे प्लेनेट के ऊपर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है बताओ। फिर गोकू बोलता है कि मैं यहाँ पर आपसे फाइट करने आया हूँ एंड आपका टाइटल डिस्ट्रॉयर भी छीनने आया हूँ एंड बनने आया हूँ यहाँ का नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर। एंड फिर बीरस व्हिस की तरफ देखता है एंड पूछता है कि व्हिस, यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। फिर व्हिस उसे बोलता है कि माय लॉर्ड, आप अपना काम ढंग से तो करते हैं नहीं, जिस कारण मैंने सोचा क्यों ना आपको रिप्लेस करा जाए एंड जिस कारण मैंने इस गोकू नाम के सैयन को ट्रेनिंग दी आपको रिप्लेस करने के लिए, बट मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी उठ जाएंगे। फिर बीरस बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो व्हिस, बट मैं ऐसे ही किसी के साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ एंड अपना टाइटल डिस्ट्रॉयर का किसी को और को भी नहीं दे सकता हूँ। फिर व्हिस बोलता है कि माय लॉर्ड, आप उसकी टेंशन मत कीजिए, मैंने डाई सिंकन से पूछ लिया था एंड उन्होंने कहा था कि आप ये काम कर सकते हो। फिर बीरस बोलता है कि तुमने डाई सिंकन से भी बात कर ली एंड उन्होंने ये अप्रूव भी कर दिया। फिर व्हिस कहता है कि यस माय लॉर्ड, उन्होंने ये अप्रूव करा है, तभी तो मैं इनको आपके सामने लेके आया हूँ। फिर बीरस बोलता है कि चलो ठीक है, यानी कि सब कुछ सेट है, तो चलो मैं तुम्हारे इस मॉर्टल से फाइट करता हूँ जिसका नाम है गोकू, क्या तुम तैयार हो गोकू। फिर गोकू कहता है कि यस मैं तैयार हूँ। फिर उसके बाद व्हिस उनको रूल बताता है एंड वो कहता है कि जो आखिरी तक टिका रहेगा वो ही नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बनेगा इस यूनिवर्स का। एंड इसी के साथ ही अब फाइट शुरू हो जाती है बीरस और गोकू की एंड फाइट चालू हो जाती है एंड ये फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस चल रही होती है। कभी गोकू किक मार रहा है एंड पंचेस मार रहा है तो दूसरी तरफ बीरस उसके दोनों अटैक को ब्लॉक कर रहा है एंड बीरस भी अपर कट मार रहा है गोकू को तो गोकू भी उसे ब्लॉक कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं एंड दोनों के अटैक ब्लॉक हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ से।
एंड इसी के साथ ही बीरस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है एंड वो स्माइल करते हुए बीस को बोलता है कि नॉट बैड बीस, अब मैं समझा कि क्यों तुम इसे नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बनाना चाहते हो। एंड रही बात तुम्हारी सैयन, तो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट कर रहे हो, बट चलो इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाए। चलो अब अपनी डिस्ट्रॉयर की पावर दिखाओ मुझे। अब अपनी डिस्ट्रॉयर की पावर का क्लैश करते हैं एंड देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर गोकू बोलता है कि मैं उस पावर के अंदर इतना अच्छा नहीं हूँ। फिर वीरस को हंसी आती है एंड फिर वो वीस को बोलता है कि व्हाट वीस, तुम एक ऐसे मॉर्टल को लेके आए हो जो कि डिस्ट्रॉयर की भी यूज नहीं कर सकता है। व्हाट अ जोक वीस, तुम्हारी सारी मेहनत पानी में जाएगी। एंड रही बात गोकू तुम्हारी, तुमने एक अच्छी फाइट करी, बट अब ये देखो मेरी डिस्ट्रॉयर की पावर एंड महसूस करो कि आखिर डिस्ट्रॉयर की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। एंड इसके बाद वीरस चला जाता है डिस्ट्रॉयर की पावर के अंदर एंड बोलता है कि सैयन तुमने एक बहुत ही अच्छी फाइट दी मुझे, बट अब तुम्हारा समय आ चुका है मरने का। एंड फिर वीरस जाता है गोकू की तरफ एंड गोकू को पंच करता है जिस कारण गोकू हवा में उड़ता हुआ जा रहा होता है, मगर वो ब्लैक फ्लिप मारता है एंड उसके इम्पैक्ट को रोकता है। एंड फिर अब गोकू भी जोर से चिल्लाता है एंड सुपर सैयन गॉड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू भागता हुआ जाता है वीरस की तरफ एंड वीरस भी भागता हुआ आता है गोकू की तरफ एंड यहाँ पर हो जाता है दोनों का बहुत ही खतरनाक क्लैश एंड दोनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर। कभी गोकू पंच कर रहा है बीरस को तो बीरस भी किक मार रहा है गोकू को, तो दोनों ही अपने अटैक को ब्लॉक कर रहे हैं बारी बारी। एंड ये चीजें देख कर वेजिटा बहुत ही ज्यादा शॉक में चला जाता है एंड स्पीचलेस हो जाता है। एंड वो जब बीरस को बहुत ही ज्यादा देर तक नोटिस करता है तो उसे याद आता है कि वो एक बार प्लेनेट वेजिटा पे आया था एंड उसके पापा को स्लेव बनाया था, जिस कारण वेजिटा को समझ में आता है कि बीरस कितना ज्यादा पावरफुल है कि उसने उसके पापा को स्लेव बना दिया था। एंड इधर गोकू उससे इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहा है एंड उसे एक टफ कॉम्पिटिशन भी दे रहा है। एंड इधर दूसरी तरफ गोकू को भी मजा आ रहा होता है एंड वो स्माइल करते हुए बीरस को बोलता है कि बीरस क्या आप इतना ही पावरफुल हो, बस आपकी तो मैंने अभी तक फुल पावर भी नहीं देखी, क्यों ना आप फुल पावर के अंदर चले जाओ एंड मुझे हरा के दिखाओ, अगर आप ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं तो आपको आसानी से हरा दूंगा, क्यों ना आप फुल पावर के अंदर जाओ जिसके कारण मैं भी फुल पावर के अंदर जा पाऊं। फिर वीरस की उसकी तरफ स्माइल करता है एंड बोलता है कि यू बास्टर्ड सैयन, अगर तुम्हें यही चाहिए तो देखो ये रही मेरी फुल पावर। एंड इसके बाद वीरस चला जाता है अपनी फुल 100% पावर के अंदर। गोकू अब तुम्हें पता लगेगा कि क्यों मैं मल्टीवर्स के अंदर सबसे खतरनाक आदमी हूँ, चलो आओ तुम्हें मैं बताऊँ अब। एंड ये बात सुनते भी गोकू भी स्माइल करता है एंड बोलता है कि नाइस वीरस, मैं यही चाहता था कि तुम भी अपनी 100% पावर के अंदर जाओ, जिस कारण अगर मैं तुम्हें हराऊं तो तुम्हें अपनी 100% के अंदर हराऊं, जिस कारण तुम्हारा मैं टाइटल ले पाऊं और बन जाऊं नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स। ये बात कहने के बाद गोकू चिल्लाता है एंड सुपर सैयन गॉड से भी एक और ऊपर फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसका नाम होता है सुपर सैयन ब्लू। एंड याद हो तो हमें ओरिजिनल सीरीज के अंदर देखने को मिला था कि गोकू बस 1.5 साल ट्रेन होता है वीस के साथ, जिस कारण सुपर सैयन ब्लू उसकी एक बहुत ही अच्छी फॉर्म बन जाती है, बट इधर ये 20 साल से ट्रेन हो रहा है अंडर वीस, जिसके कारण ये जो सुपर सैयन गॉड ब्लू है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्म है गोकू की। एंड ये फॉर्म भी बीरस देख रहा होता है एंड जिस कारण वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है एंड बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है गोकू, कि तुमने इतने कम समय के अंदर ये सारी फॉर्म अचीव कर ली एंड वो भी एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर, एंड मुझे निराश मत करना, अपनी फुल 100% पावर के अंदर ही लड़ने आना मुझसे। एंड गोकू बोलता है कि उसकी टेंशन मत करो बीरस, मैं उसी के साथ ही आऊंगा। एंड इसके बाद फिर गोकू और बीरस क्लैश करते हैं, मगर ये जो क्लैश होता है ये पूरे ही बीरस के प्लैनेट को हिला डालता है जिस कारण ये सारी चीजें इधर की उधर होने लग जाती है। एंड दोनों ही अपनी फाइट के ऊपर ध्यान देते हैं एंड गोकू बहुत ही अच्छी तरह से टक्कर दे रहा होता है बीरस की 100% पावर को एंड बीरस भी बहुत ज्यादा शॉक के अंदर होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड गोकू बीरस के फेस के ऊपर मुक्का मारता है जिस कारण बीरस हवा के अंदर उड़ते जाता है एंड फिर गोकू उसके पीछे आ जाता है, फिर एक और लात मारता है एंड बहुत ही ज्यादा अटैक करने लग जाता है बीरस के ऊपर। एंड वो बीरस के सामने फिर अचानक से आ जाता है एंड फिर हकाई का यूज करता है एंड हमें देखने को मिलता है कि उसने बीरस को इरेज कर दिया, गोकू ने बीरस को मार दिया। ये देख के वेजिटा भी शोक में हो जाता है एंड बोलता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, क्या गोकू ने सही में बीरस को हरा दिया एंड उसे मार दिया। फिर वीस बोलता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू गोकू,
तुमने बीरज को हरा दिया एंड अब तुम मन जाओगे इस यूनिवर्स के नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग द डिस्ट्रॉयर गोकू, एंड मैं आशा करता हूँ कि तुम अपना काम अच्छी तरह करोगे एंड बैलेंस बनाए रखोगे इस यूनिवर्स के अंदर। एंड ये बात सारे मल्टीवर्स के अंदर फैल जाती है कि एक मोर्टल सेन ने द डिस्ट्रॉयर बीरज को हरा दिया एंड बन चुका है न्यू डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स। एंड अब इसी के साथ ही अपना What if Goku went to the Beerus World episode 3 यहीं पे होता है खत्म। एंड क्या फ्रीजा इतना ज्यादा पावरफुल हो पाएगा कि वो गोकू को हरा पाए? एंड अब गोकू ने बीरस को हरा दिया है, अब क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं उसके आंखों के सामने? क्या वो इन चैलेंजेस को पार कर पाएगा? अगर वो पार नहीं कर पाया तो क्या वो भी मर जाएगा? आने वाले एपिसोड्स के अंदर बहुत ही ज्यादा चीजें होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। एंड अपना ध्यान रखिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए एनिमे गॉड को।